सुप्रभात, मैं शुभांगी स्वागत करती हूं आपका देवभूमि इनसाइडर में। रुक करते हैं आज की सुर्खियों की ओर। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। फसल बीमा योजना में सरकार करेगी सुधार, बढ़ते प्रीमियम को कम करने की हो रही तैयारी। बिहार में बिछ रही बड़ी राजनीतिक बसात, बड़ा उलटफेर होने के लगाए जा रहे कयास। उपराज्यपाल वी के सक्सेना का सीएम केजरीवाल पर वार, बोले हताशा में मुझ पर लगा रहे भ्रष्टाचार का आरोप। कोलकाता स्थित बिजनेस ग्रुप के ठिकानों पर आईटी छापा, 250 करोड़ रुपए की बेहिसाब आमदनी का चला पता। इंदौर में निजी कंपनी के 7 कर्मचारियों ने एक साथ खाया जहर, नौकरी से निकाले जाने के चलते उठाया कदम। ये तो थी सुर्खियां देश और दुनिया की। अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की सुर्खियों की ओर। सीएम धामी ने किया रानीबाग पुल का लोकार्पण, कुमाऊं को मिली लाइफलाइन। खटीमा गोलीकांड की 28वीं बरसी, सीएम धामी और अजय भट्ट ने शहीद आंदोलनकारियों को दी श्रद्धांजलि। हल्द्वानी में कांग्रेसियों ने सीएम धामी को दिखाए काले झंडे, हिरासत में प्रदर्शनकारी। यूके ट्रिपल एससी भर्ती घोटाला के खिलाफ पूरे उत्तराखंड में प्रदर्शन, यूथ कांग्रेस ने खून से लिखा सीएम को पत्र। सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत, परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने किया शुभारंभ। तो ये थी आज की सुर्खियां। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप। जय हिंद।